Hello friends, welcome to the second video of our channel, and that is the video that you have been demanding the most, and it is on MS Word. As you know, the second section in your syllabus, that is BCom second year, BCom second semester students, you have your Word, PowerPoint and Excel as your syllabus. So in this topic I'll be starting with the introduction of MS Word. Okay. So first thing that comes to mind is, how do we start your Word, right? For that, you just need to click on the Windows button. Over here, you have two options. Either you can click on this arrow button, and then you have to select MS Office group, and from here you can click on Microsoft Office Word. Or the second option is, you can click on the start button right here, Word, and you will get all the options. Select Microsoft Office and the Office window opens over here. So let's discuss about this window. This, the topmost row, ये जो सबसे ऊपर row line है, इसको हम बोलते हैं title bar, क्योंकि इसमें हमारे जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो डिस्प्ले होता है, राइट? अभी मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम डॉक्यूमेंट वन है, एंड जब मैं इसको सेव करूँगा किसी भी नाम से तो वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. हम करके देख लेते हैं. ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन. सेव पे क्लिक किया एंड मैंने नाम दे दिया वर्ड, और फिर से सेव बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे वर्ड लिखा आ गया मेरी फाइल का नाम. तो यहाँ ये टाइटल बार है, इसमें हमारी फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम डिस्प्ले होता है, राइट? सो एंड दिस इज द ऑफिस बटन. एज यू नो, यू कैन सी इट, इट इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर आल्सो. दिस इज द ऑफिस बटन, एंड दिस विंडो, दिस पोर्शन, दिस होल ब्लू पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, दिस इज नोन एज द रिबन. And ribbon has three parts. One is the tabs. These are the various tabs available in the ribbon. Then you have the groups. This is one group. The name over here displayed over here is font. And this is clipboard group. Here you have options related to clipboard. Here you have options related to fonts. And here you have options related to paragraphs. Here you have options related to styles. So this is the ribbon tab, and these are ribbon groups. And last, ये जो button दिख रहे हैं, these buttons are the command buttons. Okay, तो किसी भी ribbon में तीन चीज़ें होती हैं. First is tabs हैं, उसके बाद groups, कौन से groups हैं उस tab ribbon में, उस tab में, और हर पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर जो जो कमांड्स हम चला सकते हैं वो सारी इसके अंडर डिस्प्ले की जाती हैं, राइट? एंड देन यू हैव रूलर ओवर हेयर एंड ओवर हेयर, दोनों साइड. यू हैव द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड देन दिस इज द स्टेटस बार. इसमें डिस्प्ले होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं और हम किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ नंबर पेज पे हैं. डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, राइट? आप ऐसे क्लिक करते हो इस पे तो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि कितने वर्ड्स होंगे, कितने करेक्टर्स होंगे, कितने पेजेस होंगे, एंड पैराग्राफ सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, एंड कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो. और ये है व्यूज़ कि कौन, ये सारे व्यूज़ अवेलेबल हैं. आप कोई भी व्यू पे क्लिक कर सकते हो, तो जिस तरह के आपको व्यू चाहिए आप देख सकते हो. ये प्रिंट लेआउट है, उसके बाद फुल स्क्रीन करना है तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, राइट? एंड फिर वेब लेआउट है, आउटलाइंस हैं एंड ड्राफ्ट है, ये सब हैं विच यू विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शंस. और ये जो है ये जूम ग्रिड है, ठीक है? इससे आप पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, राइट? उससे क्या है, आपको अगर पढ़ने में कोई दिक्कत है, फॉन्ट छोटा है, तो आप जूम करके ज़्यादा क्लैरिटी से उसको पढ़ सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
we will start with our office button. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ऑफिस बटन. तो आप देख सकते हैं ऑफिस बटन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो फर्स्ट थिंग जो ऑफिस बटन के है वो है न्यू. ये बटन यूज़ होता है जहाँ पे भी आपने नई फाइल खोलनी है उसके लिए ये यूज़ होता है. ये देखिए मैं क्लिक करूँगा इसको, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए. अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए आप इसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे. अगर आपने ब्लॉग पोस्ट बनाना है आप इसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे. अगर आपने सपोज ये कार्ड बनाना है, ठीक है, तो ऑनलाइन कनेक्टेड होना ज़रूरी है, अभी यहाँ पे नहीं आएगा शायद. तो आप ये किसी भी तरह की चीज़ आप बना सकते हो. आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आप एनवेलॉप्स बना सकते हो, आप फॉर्म्स बना सकते हो, हॉलीडे से रिलेटेड कुछ बना सकते हो, इंडस्ट्री, मतलब जिस भी आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस वर्ड की अवेलेबल होंगे, टेम्पलेट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. और आप उसको क्लिक करके और क्रिएट करोगे वो वाला टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको बाद में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. तो अभी हम सिर्फ ब्लैंक वाले से ही स्टार्ट करेंगे. सो मैंने या अगर नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्ड खोलते हो तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है, लेकिन सपोज़ एक ऑलरेडी एक चल रहा है और हमने एक नया खोलना है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चाहे तो मैं इस पे डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, नहीं तो सिंगल क्लिक करके उसके बाद क्रिएट करूँगा तो ये दोबारा नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. आप देख सकते हो जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था उसका नाम था डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट और इसका नाम हो गया है डॉक्यूमेंट 2. ये इस तरह ही चलता रहेगा जब तक आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खोलते रहोगे, ठीक है ना. जब आप इन सबको सेव कर दोगे तो हर एक का नाम अलग अलग स्पेसिफाई हो जाएगा. सो ये तो थी फर्स्ट ऑप्शन दैट वाज न्यू. उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है आपकी ओपन. ओपन यूज़ होता है कमांड जब आप चाहते हो कि आप, आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में आपकी कोई फाइल ऑलरेडी खुली है, ऑलरेडी बनी हुई है एंड यू वांट टू रीड इट, व्यू इट, एडिट इट, मतलब कुछ भी आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या उसको देखना चाहते हो तो आप ओपन कमांड का यूज़ करोगे. ओपन से जब आप ओपन पर क्लिक करोगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी एंड इस विंडो के अंदर आप अपनी फाइल की लोकेशन पहले यहाँ से सर्च करोगे, मतलब यहाँ पे बताओगे कि कहाँ पे है आपकी फाइल. जैसे मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, राइट, डॉक्यूमेंट में जाके उसके बाद ये मेरी फाइल है और मैंने इसको ओपन कर दिया, ये आपकी फाइल खुल गई. अब मैं इसके अंदर जो भी एडिटिंग करना चाहता हूँ या इसको पढ़ना चाहता हूँ या प्रिंट करना चाहता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन आ जाती है आपकी, थर्ड ऑप्शन सॉरी, सेव. सेव कमांड दो तरह से काम करेगी. फर्स्ट थिंग, अगर तो आपकी कमांड आपका स्पेसिफाइड आपकी फाइल का नाम ऑलरेडी कोई नहीं रखा आपने फाइल का नाम, तब तो आपको एक विंडो में वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल का नाम और किस फॉर्मेट में फाइल सेव करनी है, कौन से वर्जन में सेव करनी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने जैसे इस केस में मैंने वर्ड नाम ऑलरेडी दे रखा है तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो बस मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. जो भी मैंने चेंजेस लास्ट सेव के बाद से की हैं वो नई वाली सारी चेंजेस इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, राइट. एंड नेक्स्ट इज सेव एज. सेव एज का पर्पस क्या है, ये काफ़ी क्या होता है, कई बार हमें सेम फाइल की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होती है या सेम फाइल किसी और फॉर्मेट में चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, सेव एज यूज़ करते हैं. सेव एज से हम यहाँ पे नया नाम दे सकते हैं फाइल को और किस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर 2003 पुराने वर्ड को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. और कोई टेम्पलेट बनाना है उसके लिए यहाँ से, वेब पेज बनाना है, एक फाइल वेब पेज बनाने हैं तो उसके लिए, मतलब कोई भी आप, या रिच टेक्स्ट RTF फॉर्मेट में सेव करनी है, आप यहाँ से कोई भी टाइप स्पेसिफाई करके उसके बाद नया नाम या सेम नाम से इसको सेव कर सकते हो. उससे आपकी फाइल की एक अलग कॉपी बन जाएगी जिसमें वही सारी जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसके साथ वो फाइल आपकी आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, राइट. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज, अच्छा यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हैं, इधर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज पे और यहाँ से टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं और अदरवाइज आप सेव एज पे लेके आएंगे तो अपने आप ये पॉपअप मेन्यू जो है, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोलते हैं, इसमें ये
सारी ऑप्शन आ गई, आप सीधा ये ऑप्शन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपने करनी है। ओके, वन एंड द सेम थिंग, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट इज प्रिंट। प्रिंट होता है कि आपको अपनी फाइल आपने तैयार कर दी और आपने उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, तो आप यहाँ पे आएंगे और प्रिंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं उन सब का नाम डिस्प्ले कर देगा। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे किस कौन से नंबर ऑफ पेज, तो कौन करंट पेज सेलेक्ट करना है या सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, कोई भी जो भी आपके ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रिपेयर, ये सारे जैसे आपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है और इनक्रिप्ट करनी है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे हम करेंगे वो इसमें हम करते जाएंगे इसको। और फिर अगर आपने फाइल अपनी फाइल को ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो आप सेंड सेंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और पब्लिश, अगर आपने ब्लॉग पे पब्लिश करना है या मतलब इंटरनेट पे डालनी है आपने फाइल, तो उसके लिए ये पब्लिश वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ये क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन से क्या होगा, आपने आप जैसे ही क्लोज करोगे तो आपका जो ये रीसेंट फाइल है जो जिसमें आप रिसेंटली काम कर रहे थे वो वाली फाइल आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप मैंने उसको दोबारा खोलना है, यहाँ पे क्या है, ये सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी रिसेंटली आपने कोई भी चीज़ यूज़ की है वो सारे उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, ठीक है। जैसे सबसे लेटेस्ट मैंने वर्ड फाइल यूज़ की है इस वर्ड नाम की, तो ये सबसे ऊपर है, उसके पहले मैंने 9 को स्टेप्स किया था, फिर हेलो किया था, मतलब जिस जिस जितनी रिसेंटली आपने फाइल यूज़ किया उतनी रिसेंट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन से भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं या वर्ड पे क्लिक करके सीधा डॉक्यूमेंट अपना पुराने वाला खोल सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर कि मैंने जितनी भी कमांड्स बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। और एक लास्ट चीज़ जो रह गई, एक है क्लोज और उसके बाद यहाँ पे दो बटन हैं, एक है वर्ड ऑप्शंस, एक है एग्जिट वर्ड। वर्ड ऑप्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वर्ड की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी डिस्प्ले होने लग जाएंगी, राइट, कि यूज़र नेम क्या है, इनिशियल्स क्या हैं, एंड डिस्प्ले कैसे करना है, क्या डिस्प्ले प्रूफ रीडिंग के रिगार्डिंग, सेव की ऑप्शन कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं वर्ड की सेटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट कर सकता हूँ। एंड लास्ट इज, एक था क्लोज, क्लोज था रिसेंट फाइल को बंद करने के लिए, एग्जिट वर्ड होता है पूरे वर्ड से ही बाहर आ जाने के लिए, राइट। जैसे मैंने एग्जिट वर्ड किया तो मैं वर्ड से बाहर निकल आया, राइट। उसके बाद सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ MS वर्ड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।